नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल में। और हम डिस्कस कर रहे थे द हिंदू न्यूज़पेपर। कुछ टाइम से, दो या तीन दिन से लगभग, वीडियोज़ दो दिन से नहीं पढ़ पा रही थी कुछ बिजी शेड्यूल होने की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि वीडियोज़ डेली पढ़ें ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो इससे। बहुत ज़्यादा अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोग करते भी रहे अच्छे से पढ़ाई। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर की हेडिंग, हेडलाइन की तरफ, और देखते हैं आप लीडर मीट्स फैमिलीज ऑफ डिसीज्ड फार्मर। यहाँ लिखा हुआ डिसीज्ड, ठीक है, जो फार्मर जो है वो डिसीज, जिनकी मृत्यु हुई है अभी हाल ही में, आप लीडर क्या किए ने उनसे, क्या है, उनकी फैमिली से मिले हैं, ठीक है, इन पंजाब, पंजाब में। प्लेस का नाम है, इसके पहले इन का यूज हुआ है, चूँकि प्लेस बड़ा प्लेस है इसलिए हम इसका, इसके पहले हम इन का यूज कर दिए हैं, ठीक है ना। एक बात देखिए कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन है इसलिए ये प्रेजेंट में लिखी गई है, ठीक है, और ये पास्ट में मिल चुके हैं, ठीक है ना। तो हमने बताया है आप लोगों को, जितने लोग पहले से पढ़ रहे हैं, कि जो न्यूज़पेपर में पढ़ना है वो मेन न्यूज़ से हमें पढ़ना स्टार्ट करना है। पहले हमें देख लेना है मोटा मोटा कि किस बारे में ये चीज़ें बात कर रहा है, ठीक है। देखते हैं, दे डाइड फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। वे मर गए कैसे, फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, अपने अधिकारों को लड़ते हुए, ठीक है, सेज राघव चड्ढा ने कहा। प्रेजेंट इंडिफिनिट में चूंकि लिखा हुआ है, ठीक है ना, कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो हेडलाइन है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेन न्यूज़ की तरफ। और आप लोग यहाँ से बिल्कुल देखिएगा कि ग्रामर यहाँ एकदम एग्जैक्ट लिखा होगा सारी चीज़ें। देखते हैं द आम आदमी पार्टी। तो ये एक बात यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए, कोई भी इंस्टीट्यूशन है या कोई पार्टी का नाम है, ठीक है, या कोई एक्ट है, उसके पहले हम दा का यूज़ करते हैं, ठीक। और दा का यूज़ हम कहाँ बताए थे, तो दा का यूज़ हमने बताया था ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स के साथ, यानी कि सन के साथ दा का यूज़ करेंगे, मून के साथ दा का यूज़ करेंगे, अर्थ के साथ दा का यूज़ करेंगे। यहाँ से एरर पूछता है, ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स के साथ भी हम दा का यूज़ करते हैं, यानी कि सिर्फ सन नहीं लिखा होगा, द सन, द मून, द अर्थ, है ना, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। और दा का यूज़ सुपरलेटिव डिग्री के पहले किया जाता है, और दा का यूज़ कब किया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले ज़रूर करते हैं, है ना। और हमने एक चीज़ बताई आज कि कोई भी पार्टी का नाम है उसके पहले हम किसका यूज़ किए हैं, दा का, द आम आदमी पार्टी लीडर, ठीक, एंड इट्स पंजाब यूनिट को इंचार्ज राघव चड्ढा, पंजाब यूनिट्स के, यूनिट के जो को इंचार्ज है राघव चड्ढा, ऑन सैटरडे, सैटरडे चूंकि डे का नाम है और हमने बताया है कि डे, डेट और ओकेजन के पहले, नाम के पहले हम किसका यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे डेट कोई लिखी गई है, आगे मिलेगी तो हम आप लोगों को बताएंगे, उसके पहले भी हम ऑन का यूज़ करते हैं और ओकेजन के पहले भी ऑन का यूज़ करते हैं। ओकेजन यानी कि जैसे ऑन होली, ऑन दिवाली, ऑन दशहरा, ऑन ईद। धीरे धीरे जो पुराने लोग वीडियो देखते जा रहे हैं उनको सारी चीज़ें इसी क्लास में ही, इसी वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आती जा रही होंगी, और इवन समझ में ही नहीं आ रही हैं, सारी चीज़ें याद भी होती जा रही होंगी, ठीक है। आगे देखते हैं, राघव चड्ढा ऑन सैटरडे, सैटरडे को राघव चड्ढा क्या हुए, मेट द फैमिलीज ऑफ टू फार्मर्स, दो फार्मर्स की फैमिली से मिले, ठीक है। एक बात देखिए आप लोग कि ऑन सैटरडे, तो ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, है ना, प्रीपोजिशन के पहले लिखा है राघव चड्ढा, राघव चड्ढा क्या है, सब्जेक्ट, जिसके अकॉर्डिंग वर्ब आई है मेट, ठीक है, वे मिले। द फैमिलीज ऑफ टू फार्मर्स, चूंकि टू है इसलिए फार्मर्स लगा हुआ है, अगर वन होता तो हम फार्मर का यूज करते, ठीक है ना। छोटी छोटी चीज़ें भी हम लोग देखते चलेंगे। हु हैड डाइड, हु हैड डाइड, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी एलिगडली वाइल। एक बात देखते हैं, हु किसके लिए आया है, टू फार्मर्स के लिए, किसके लिए आया है, टू फार्मर्स के लिए, ठीक है। और चूंकि व्यक्ति का नाम है इसके पहले, इसलिए हम इनके साथ किसका यूज़ किए हैं, हु का यूज़ किए हैं। आगे देखते हैं, हु के साथ जो हैड लगा हुआ है वर्ब, वो अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है, यानी कि अपने पहले लिखे गए वर्ड के अकॉर्डिंग वर्ब आती है,
तो हु के पहले लिखा हुआ है टू फार्मर्स और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आई है, हैड। ठीक है, दो फार्मर्स हु हैड डाइड, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी एलिगडली। वाइल प्रोटेस्टिंग, वाइल यहाँ क्या है, तो या तो आप लोग जानते होंगे वाइल एक प्रकार का कंजंक्शन भी होता है और प्रीपोजिशन भी होता है, आज आप लोग जान जाइए। वाइल एक प्रकार का क्या होता है, यहाँ डब्ल्यू लिख रहे हैं आप लोग, वाइल समझिएगा, वाइल एक प्रकार का कंजंक्शन भी होता है और एक प्रकार का प्रीपोजिशन भी होता है, ठीक है ना। तो अगर वाइल प्रीपोजिशन होता है तो उसके पहले किस, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है। तो अगर आप लोग ये देखें कि आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, इसका मतलब ये क्या है, प्रीपोजिशन है। और अगर वाइल कंजंक्शन है तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आना जरूरी होता है, कंजंक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब जरूर आती है, और प्रीपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज नहीं करते हैं। ये आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज करते हैं, प्रीपोजिशन के बाद कभी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज नहीं करते हैं। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, और अगर वर्ब आई है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। इस सबसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं लिखा क्या है, वाइल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द फार्म लॉज, कृषि कानून के अगेंस्ट जो है वो क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। एंड ऑफर्ड, ठीक है, मॉनेटरी सपोर्ट टू, और मॉनेटरी सपोर्ट उन्होंने, हाँ, एंड ऑफर्ड मॉनेटरी सपोर्ट। एक बात ध्यान दीजिएगा कि ऑफर, ऑफर क्या कर रहे हैं, कोई चीज किसको कर रहे हैं, देम लिखा हुआ है ना। एक बात ध्यान दीजिएगा कि ऑफर समथिंग टू समबडी होता है, ऑफर समथिंग टू समबडी, यानी कि जिस चीज़ को ऑफर कर रहे हैं और जिस जिन लोगों को ऑफर कर रहे हैं, अगर उसका क्रम इस तरीके से लिखा है तो somebody के पहले हम टू का यूज करते हैं। मेरे somebody कहने का मतलब यहाँ देम से है या किसी व्यक्ति से है जिसको ऑफर किया जा रहा है, और जो चीज़ ऑफर की जाती है वो ऑफर के तुरंत बाद यहाँ लिखी गई है। ठीक है, आशा करते समझ में ये सारी चीज़ें आ रही आप लोगों को, समथिंग या समबडी का। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी आप लोग बताइएगा, मैं एक दिन पूरा डिटेल में बता देंगे आप लोगों को। आगे देखिए इन मोगा, आगे देखते हैं नोटिस टू बीजेपी, नोटिसेस टू बीजेपी, द पार्टी सेड, पार्टी ने कहा सेवरल फार्मर्स, और हमने बताया है कि सेवरल के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है, प्लरल होता है। तो देखिए सेवरल के बाद फार्मर नहीं लिखा है, फार्मर्स लिखा गया है। फिर देखते हैं, अच्छा और कितने कितने वर्ड हैं जिनके बाद आने वाला नाउन प्लरल होता है, तो देखिए आप लोग सेवरल, वेरियस, वी ए आर आई ओ यू एस, वेरियस न्यूमेरस, सेवरल वेरियस न्यूमेरस, ठीक है, मेनी, ए गुड मेनी, ए ग्रेट मेनी, आप लोग लिख लीजिएगा सेवरल वेरियस न्यूमेरस मेनी ए गुड मेनी ए ग्रेट मेनी, ठीक है ना। इनके बाद आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा और हमेशा प्लरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है, ठीक है, और यहाँ लिखा गया है सेवरल, और सेवरल के बाद आने वाला नाउन जो होगा वो प्लरल होगा, तो यहाँ लिखा गया है फार्मर्स, ठीक है। आगे देखते हैं, द पार्टी सेड सेवरल फार्मर्स फ्रॉम अमृतसर जालंधर एंड संगरूर हैव सेंट लीगल एडवाइज टू बीजेपी लीडर्स, ठीक है, पार्टी ने क्या कहा है कि सेवरल फार्मर्स, कई फार्मर्स फ्रॉम अमृतसर, जो कि कहाँ से थे, अमृतसर से थे, जालंधर से संगरूर से थे, हैव सेंट लीगल नोटिसेस, उन्होंने कई लीगल नोटिस भेजे हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा कि सेवरल फार्मर्स, यहाँ पे हैव, अगर आप वर्ब देखिए तो तुरंत आप लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि ये इसका सब्जेक्ट कहाँ गया आखिर। तो देखिए ऑफ फ्रॉम, इसके पहले देखिए प्रीपोजिशन कहाँ है, तो हमने यहाँ देखा कि ये हैव किसके लिए आया है, तो हम देखेंगे यहाँ फ्रॉम एक प्रकार का प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के पहले लिखा गया वर्ड है सेवरल फार्मर्स, तो चूंकि सेवरल फार्मर्स सब्जेक्ट होगा, इसका मतलब
फ्रॉम प्रीपोजिशन के पहले लिखा हुआ वर्ड जो है वो सब्जेक्ट का काम करेगा, यानी कि फ्रॉम के पहले लिखा है सेवरल फार्मर्स, ये करेगा आपका सब्जेक्ट का काम, और सेवरल फार्मर्स के अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आएगी, हैव आएगी, यानी कि सेवरल फार्मर्स हैव सेंट, कई फार्मर्स ने क्या किया है, भेजा है लीगल नोटिसेस टू बीजेपी लीडर्स, बीजेपी लीडर को नोटिस भेजा है, कई नोटिस भेजे हैं लीगल फॉर देयर डिफेमेटरी स्टेटमेंट, डिफेमेटरी स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। आगे लिखा गया है अबाउट द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट, जो डिफेमेटरी स्टेटमेंट किसने कब दिया गया था, किस बारे में दिया गया था, ऑनगोइंग प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट चल रहा था, और यहाँ जो ऑनगोइंग है और द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट लिखा है, क्या लिखा है, द ऑनगोइंग, ऑनगोइंग, और फिर लिखा है, आप लोग कॉपी पे ये सारी चीज़ें लिखिएगा कि द ऑनगोइंग फिर प्रोटेस्ट, तो एक बात देखिए द आर्टिकल है, प्रोटेस्ट क्या है, नाउन है, तो नाउन के पहले लिखा हुआ वर्ड ये होना क्या चाहिए, नाउन के पहले उसकी विशेषता बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव होना चाहिए, जी हाँ, तो ये एडजेक्टिव ही लिखा गया है, द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट, अबाउट द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट, यानी कि जो प्रोटेस्ट चल रहा था उस प्रोटेस्ट के बारे में क्या दिया था उन्होंने, डिफेमेटरी स्टेटमेंट दिया था। आगे देखते हैं, एंड दैट आप हैज़ ऑफर्ड लीगल हेल्प टू देम, है ना, और हमने बताया है कि ऑफर समथिंग टू somebody, ऑफर समथिंग टू somebody, यानी कि ऑफर के बाद समथिंग क्या है, somebody क्या है, ये देख लेते हैं, लीगल हेल्प जो है वो कोई व्यक्ति तो है नहीं, समथिंग, फिर टू लगाएंगे, और टू के बाद जो देम है वो व्यक्तियों के लिए ही आया होगा, तो ये क्या है, ये somebody है, और यहाँ लिखा हुआ है ऑफर, ऑफर समथिंग टू somebody, यानी ऑफर लीगल हेल्प टू देम, है ना, आपके में जो एरर पूछेगा तो ऐसे पूछ सकता है ऑफर लीगल हेल्प देम, ऐसे करके दे सकता है, तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए, न्यूज़पेपर से ही ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है, हमें नए नए वर्ड मिलेंगे, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा आप लोगों को। आगे देखते हैं, स्वर्गीय माखन खान एंड स्वर्गीय गुरुबचन सिंह मेड द सुप्रीम कोर्ट सेक्रीफाइस, एक बात देखिए बहुत ही अच्छा रूल मिला है हमें आज, मेड, तो हमें एक बात ध्यान रखना है, मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का रूल एक स्ट्रक्चर होता है, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा ये चीज़ें, मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं हम, ठीक है, मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो आगे हम बताएंगे, जब कई चीज़ें बताएंगे आप लोगों को, कॉजेटिव वर्ब बताएंगे, किसी दिन डिस्कस करेंगे, तो वहाँ सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी, ये स्ट्रक्चर आपका SSC में, स्टेनो में पूछा गया है, CGL में पूछा गया है, ये सारी चीज़ें लगातार पूछी जाती हैं, एरर कैसे देता है पता है, मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया है, एक मिनट, ये ऑब्जेक्ट का रूल नहीं था, हम दूसरा रूल बता रहे थे, चलिए वो जब चर्चा कर दी है तो देख लीजिए आप, मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे देता है ही मेड मी लॉफ, ही मेड मी लॉफ, ठीक है, तो यहाँ एरर कैसे देगा, दे देगा ही मेड मी लॉफ्ड, क्या दे देगा, उसने मुझे हंसाया, कॉजेटिव वर्ब, ही मेड मी, उसके बाद दे देगा क्या, लॉफ्ड, ही मेड मी लॉफ्ड दे देगा, तो हमें ध्यान रखना है कि मेक प्लस ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके बाद अगर वर्ब लिखी जाएगी तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, तो होना क्या चाहिए, उसने मुझे हंसाया, ही मेड मी लॉफ, ही मेड मी लॉफ, यहाँ वो स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, ही मेड मी लॉफ, वहाँ हमने सोचा कि वहाँ कोई स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, चलिए देखते हैं, गुरुबचन सिंह मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया है इन्होंने, ठीक है, वाइल फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, अपने मतलब अधिकारों की लिए लड़ने के दौरान, ठीक है, फाइट करने के दौरान, आगे देखते हैं, बोथ हैज, बोथ का मतलब
वो दोनों लोगों के बारे में हैज रेज्ड देयर वॉइसेज, उन्होंने अपनी वॉइसेज उठाई है, आवाज़ उठाई है अगेंस्ट द थ्री ब्लैक फॉर्म लॉज, तीन जो ब्लैक काले श्रम कानून है उनके अगेंस्ट क्या किया है, बोथ हैज रेज्ड देयर वॉइस, उन्होंने अपनी आवाजें उठाई हैं। आगे एक बात देखिए, रेज रेज और राइज अंतर पूछता है, रेज और राइज, राइज का मतलब होता है उठना, उठना किसी चीज का अपने आप उठना, सो कर उठना नहीं होता है भाई, किसी चीज का अपने आप उठना राइज, और रेज का मतलब होता है उठाना, ठीक है। जैसे हम कहते हैं रेज योर हैंड, अपना हाथ, ठीक है, अपना हाथ उठाओ तो रेज योर हैंड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ कोई काम करता है, यहाँ काम अपने आप होता है, राइज का मतलब उठना, जैसे समुद्र का जलस्तर धीरे धीरे क्या हो रहा है, उठ रहा है, वहाँ राइज का यूज होगा, वो कोई उठाने नहीं जा रहा है उसे, वो उठ रहा है ना, वहाँ राइज का यूज होगा, और रेज क्या होता है, उठाना होता है, जैसे रेज योर हैंड। एक कोलोकेशन पूछा है आपका SSC में, रेज मनी, रेज मनी का मतलब होता है मनी कलेक्ट करना, रेज मनी का मतलब होता है धन इकट्ठा करना, ये लिख लीजिएगा आप लोग, रेज मनी का मतलब होता है क्या, धन इकट्ठा करना, ठीक है। आगे देखते हैं, रेज्ड देयर वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है, तो ये आवाज़ उठाई है तो उठी नहीं है, आवाज़ उठाई है, देयर वॉइसेज अगेंस्ट द थ्री ब्लैक फॉर्म लॉज, तीन काले कृषि कानून के अगेंस्ट, ठीक है। देखते हैं, हैड द गवर्नमेंट, हैड द गवर्नमेंट सोन, एक मिनट, हैड द गवर्नमेंट, आप लोग पहले यहां देखिएगा, हैड द गवर्नमेंट सोन सम रिगार्ड एंड सेंसिटिविटी, आगे क्या है, दीज होम्स इन मोगा वुड नॉट हैव बीन इन मॉर्निंग, बहुत ही अच्छा कोलोकेशन यहाँ आप लोगों को मिल रहा है। ये इफ का रूल आप लोग पढ़े होंगे, पहले एक चीज देखिएगा आप लोग, इफ, इफ के साथ, इफ के तीन चार रूल हैं, उसमें हमने एक चीज आज बताने जा रहे हैं, इफ के बाद चलता क्या है स्ट्रक्चर, एक होता है इफ का पास्ट परफेक्ट, है ना, यानी इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो दूसरा क्या होता है, एक तरफ तो ये सेंटेंस में आएगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरे में होगा दो सेंटेंस को इफ जोड़ेगा, है ना, तो जो पहला सेंटेंस होगा वो आएगा सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरे में आएगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखिए आप लोग यहाँ, अच्छा उसी का एक और स्ट्रक्चर होता है हैड परफेक्ट का ही, वहाँ इफ को हटा करके हैड पहले लाया जाता है, आप लोग इसे लिखिएगा, लिखिए हैड, अभी ये चीज़ें समझ में आएंगी, हैड एक स्ट्रक्चर है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ इफ नहीं आएगा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आ सकता है, फिर कॉमा लगेगा और आगे लिखा जाएगा क्या, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम यहाँ पे अप्लाई करके स्ट्रक्चर दिखाते हैं। देखिए आप लोग क्या लिखा गया, हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट सब, फिर दूसरे में क्या रहेगा, दूसरे सेंटेंस में का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ लिखा हैड प्लस सब्जेक्ट है गवर्नमेंट, फिर लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म सोन, फिर लिखा है ऑब्जेक्ट सम रिगार्ड एंड सेंसिटिविटी, यानी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड, देखिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दूसरा कॉमा लगा है, ये देखिए कॉमा लगा है, कॉमा के बाद लिखा है दीज से, दीज होम्स इन, तो ये सब्जेक्ट है दीज होम्स, उसके बाद वुड नॉट हैव, ठीक है, इसी का वुड नॉट हैव लगा है, उसके बाद लिखा है बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म, यानी वुड हैव प्लस बीन का मतलब वहाँ वर्ब बी की थर्ड फॉर्म लिखी गई है ना,
वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म लिखी है और वो बी की थर्ड फॉर्म लिखी है। बी मीन्स होना होता है। अब हिंदी क्या निकलेगी, हैड द गवर्नमेंट शोन सम रिगार्ड एंड सेंसिटिविटी, कुछ अगर अगर गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत भी रिगार्ड एंड सेंसिटिविटी दिखाई होती तो दीज होम्स इन मोगा, ये जो परिवार है मोगा में, ठीक है, कई परिवारों के लोगों की जो मृत्यु हुई है, वुड नॉट हैव बीन इन मॉर्निंग, वो मॉर्निंग में नहीं होते, यानी कि वो शोक नहीं जता रहे होते, वो ट्रबल में नहीं होते, ठीक है। मॉर्न होता है, एम ओ यू आर एन होता है, ये मॉर्न है, मॉर्निंग सुबह नहीं है वो, है ना, मॉर्न। आगे देखते हैं, मिस्टर चड्ढा सेट, मिस्टर चड्ढा ने कहा, ऐसा करते हैं, ये इफ़ वाला स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर बाय द वे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा, हमें कॉपी में लिख करके आप लोगों को पेज में आप लोगों को हम प्रोवाइड करा देंगे सारे रूल्स भी, ठीक है। आप लोग बताइए तो कि हाँ सर यहाँ ये चीज़ें हमें क्लियर नहीं है, ठीक है, दूसरे दिन हम कमेंट को देखेंगे कि हाँ ये चीज़ें बच्चों को नहीं आ रही है आप लोगों को, फिर हम दूसरे दिन उसे चाहे हम कॉपी पेन में नोट करके आप लोगों को बता देंगे या वीडियो में आप लोगों को न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं दिखा देंगे, लेकिन हाँ आप लोग बताइए, ठीक है। आगे देखिए, द पार्टी सेड, पार्टी ने कहा, गुरुवचन सिंह को ब्रैकेट में कॉमा में लिखा है, दो कॉमा के बीच लिखा है 80, यानी कि उनकी एज थी, हैड बीन प्रोटेस्टिंग, गुरुवचन सिंह जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, हैड बीन ING परफेक्ट कंटिन्यूअस, और परफेक्ट कंटिन्यूअस की एक खासियत होती है, वो क्या खासियत होती है कि इनके बाद सिंस फॉर और टाइम आता है, तो देखिए क्या दिया गया है आगे, हाँ, फॉर द लास्ट टू मंथ्स, ठीक है, वे प्रोटेस्ट कर रहे थे पिछले, ठीक है, दो महीने से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखा हुआ है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, सिंस या फॉर आता है और फिर टाइम आता है, और अगर ड्यूरेशन दिया होता है, समय अवधि दी होती है, तो हम फॉर का यूज़ करते हैं, और फिक्स टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे सिंस मॉर्निंग, हमने बताया था सिंस टाइम इमेमोरियल होता है ना। आगे देखते हैं, आगे ये देखें, इन फ्रंट ऑफ सिलो, ठीक है, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे पिछले दो महीने से, इन फ्रंट ऑफ ए सिलो, ये सिलो क्या, बिलोंगिंग टू अडानी ग्रुप, ये बिलोंग करता है कहाँ से, अडानी ग्रुप से, बिलोंग के साथ टू लगता है, ठीक है, और टू वाले पहले देख लीजिए, SS के साथ टू लगता है, SS2, एसेसिबल टू, एसेसिबल टू, SS2 एसेसिबल टू, ठीक है, CPO 2017 में एसेसिबल के साथ विद करके पूछ लिया था, जो लोग MB लगा रहे हैं वो जा करके देखेंगे, CPO 2017 में एसेसिबल के साथ विद लगा करके एरर पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान दीजिए कि एसेसिबल के साथ या SS के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है, लीड टू होता है, आज के शायद 23 तारीख में जो स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ SSC का, उसके सेकंड शिफ्ट में लीड के साथ इन प्रीपोजिशन दिया था, तो हमें ध्यान रखना है कि लीड के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है, ठीक है। आगे आगे देखते हैं, जो बिलोंग करता था कहाँ से, अडानी ग्रुप से, ही वुड डेली ब्रिंग फार्मर्स इन ट्रैक्टर ट्रॉली, वो लाते थे, ठीक है, किसे, फार्मर्स को, है ना, उड के बाद डेली लगा है, उसके बाद लिखा गया है क्या, एक रूटीन बताने के लिए भी उड का यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, रूटीन बताने के लिए भी हम उड का यूज करते हैं, ठीक। वे लाते थे, पास्ट की रूटीन हमें बतानी है कि पहले से, अब तक ये पहले ये काम होता था, तो हम उसके साथ वहाँ पर उड का यूज करते हैं, तो ही वुड ब्रिंग डेली ब्रिंग, और एक बात देखिए, ब्रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड, और ये क्यों लगा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड की वजह से, ये वुड जो बैठा हुआ है, ये वुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, विल वुड सेल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, इनके बाद अगर वर्ब आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो वे लाते थे, कौन कौन लाता था, गुरुवचन सिंह, आगे पीछे दिया गया है,
ये देखिए आप लोग, द पार्टी सेट गुरबचन सिंह जो 80 साल के थे, ठीक है, उन्हीं के लिए ही आया है। ही वुड डेली ब्रिंग फार्मर्स, वो फार्मर्स को लाते थे इन ट्रैक्टर ट्रॉली में टू प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट करने के लिए। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रोटेस्ट लगी हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं, ही डाइड, ठीक है, प्रोटेस्टिंग एट मोगा में, प्रोटेस्टिंग करते हुए उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं, नवंबर 30, और नवंबर 30 के पहले हम देखेंगे कि किसका यूज़ हुआ है, ऑन का, ऑन नवंबर 13। अब हम ऊपर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे ऑन नवंबर 13, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, यहाँ लिखिए आप लोग ऑन, और डेट लिखने का जो क्रम होता है वो क्या होता है, पहले मंथ लिखते हैं, नवंबर मंथ लिखते हैं, फिर 30 लिखते हैं, यानी कि डेट लिखते हैं। अगर हमें ईयर लिखना है तो अब ईयर लिखते हैं, ये क्रम होता है। ये भी CPO 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। जितने लोगों के पास MB होगी वो जा करके आप लोग ज़रूर देखिएगा इसे, MB प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन में, MB के बुक में, MB बुक में आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, पूरे सेट दिए गए हैं, जितने भी CGL के सेट हैं, CPO के सेट हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, ठीक है, वो आप लोग ज़रूर ले लीजिएगा। आगे देखते हैं, फिर देखिए आप लोग, ऑन नवंबर 30, मतलब नवंबर 30 को आप सेड इन ए स्टेटमेंट, आम आदमी पार्टी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है, माखन सिंह जो जिनकी एज कितनी थी 44 साल, डाइड ऑन दिसंबर 14, उनकी मृत्यु हुई दिसंबर 14 यानी 14 दिसंबर को। एक बात देखिए, ऑन लगा है, ऑन क्यों लगा है, क्योंकि डेट के पहले ऑन का यूज होता है, 14 दिसंबर डेट है तो इसके पहले ऑन का यूज हम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, डेट और ओकेजन के पहले हम ऑन का यूज़ करते हैं, बहुत पहले से ही बताते हुए हम चले आ रहे हैं। एट सिंधु बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पर, फिर क्या है, ही हैड बीन एट बॉर्डर, हैड बीन एट बॉर्डर सिंस नवंबर 26, वे 26 नवंबर से ही बॉर्डर पर रहे थे। हैड बीन, देखिएगा हैड के बाद बीन लगा हुआ है ना, हैड बीन, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आई है, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, इसका अर्थ निकलेगा कि वे बॉर्डर पर 26 नवंबर से ही रहे थे, ठीक है। एंड डाइड, और उनकी मृत्यु हुई आफ्टर सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक, हार्ट अटैक से सफ़र करने के बाद, ठीक है, और सफरिंग के साथ फ्रॉम लगता है, ठीक है। आप लोग 12th में न्यूज़पेपर, वो सॉरी एप्लीकेशन लिखते होंगे, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि सफरिंग के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, फ्रॉम का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये सफरिंग क्यों लिखा है, ING फॉर्म क्यों लिखा है भाई साहब, ये इसलिए लिखा है क्योंकि आफ्टर एक प्रकार का प्रीपोजिशन भी होता है, और प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आती है वो ING फॉर्म में आती है। आफ्टर सफरिंग फ्रॉम ए हार्ट अटैक, हार्ट अटैक से सफ़र करने के बाद, ठीक है। अब देखते हैं, आफ्टर जो है कंजंक्शन और प्रीपोजिशन दोनों होता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि एक ही वर्ड अलग अलग तरीके से सेंटेंस में अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के तरह कार्य कर सकता है, ठीक है। सेड द पार्टी, पार्टी ने कहा है कि उनकी मृत्यु हुई है किससे, हार्ट अटैक से, ठीक है। ये सारी बातें जो है वो पार्टी ने कही है जो ऊपर लिखी गई है। वाइल नो अमाउंट ऑफ मॉनेटरी सपोर्ट, वाइल का है, अभी हमने बताया था कि वाइल का, वाइल एक प्रकार का कंजंक्शन भी होता है, ध्यान दीजिएगा, वाइल एक प्रकार का कंजंक्शन भी होता है। तो कंजंक्शन के रूप में वाइल का यूज जब होता है तो देखिए दो तरीके से काम करता है वाइल, कैसे, जैसे वाइल आई एम प्लेइंग ही वाज स्लीपिंग, जब मैं खेल, जिस दौरान मैं खेल रहा था उस दौरान वो क्या कर रही थी, सो रही थी, ठीक है। वाइल का यूज ऐसे हम कंटिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं। दूसरा, वाइल का यूज दो विपरीत सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है, और उस सेंटेंस में आता अर्थ उसका है जबकि, जबकि और फिर भी से दो विपरीत सेंटेंस जोड़ते हैं, दो अपोजिट सेंटेंस को जोड़ने के लिए भी वाइल का यूज किया जाता है। ये सारे यूज हम तब बता रहे हैं जब वाइल कंजंक्शन के रूप में कार्य करता है, ठीक है। और जब वाइल प्रीपोजिशन के रूप में कार्य करेगा तो उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म का यूज होगा, अगर वर्ब आएगी तो, ठीक है। वाइल नो अमाउंट ऑफ मॉनेटरी सपोर्ट, जबकि कोई भी सपोर्ट जो है, ठीक है,
कैन ब्रिंग बैक दीज टू ब्रेव सॉल्स को नहीं दिया गया, ठीक है, इन बहादुर लोगों को नहीं दिया गया, ब्रेव सॉल्स को नहीं दिया गया, बहादुर आत्माओं को, ठीक है। आगे देखते हैं, द लीस्ट वी कैन डू फॉर ए ग्रीविंग फैमिली, वी कैन डू फॉर ए ग्रीविंग फैमिली इज टू सपोर्ट देम इमोशनली एंड फाइनेंशली, ठीक है। आगे देखें, टेल देम, और हमने बताया कि टेल के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो ये टेल के बाद ऑब्जेक्ट आया, टेल देम यू आर नॉट अलोन, और उन्होंने क्या कहा कि आप अकेले, दे आर नॉट अलोन, कि वे अकेले नहीं हैं, एंड दैट दे विल नेवर बी अलोन, और वो कभी अकेले रहेंगे भी नहीं, ठीक है, ही सेड, उन्होंने कहा। मिस्टर चड्ढा एलिग्ड दैट, एलिग्ड का मतलब होता है आरोप लगाना, मिस्टर चड्ढा ने आरोप क्या लगाया है, आगे देखते हैं। बीजेपी लीडर्स हैव डिस्क्राइब्ड द फॉर्मर एज टेररिस्ट, बीजेपी लीडर्स ने, और चूंकि बीजेपी लीडर्स है इसलिए आने वाली वर्ब जो है वो क्या लिखी गई है, हैव, प्लरल में लिखी गई है, एक लीडर होता तो हम वहाँ हैज का यूज करते। बीजेपी लीडर्स हैव डिस्क्राइब्ड, ने डिस्क्राइब किया है फार्मर को एज टेररिस्ट, एज अ टेररिस्ट डिस्क्राइब किया है, ठीक है। आगे देखते हैं, एंटी नेशनलिस्ट, अच्छा आगे देखते हैं, कॉमा लगा है उसके बाद लिखा है एंटी नेशनल्स, ठीक है, गुंडास, एजेंट ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना, ऐसा कुछ कहा है, ठीक है। डज आवर फार्मर लुक लाइक ए टेररिस्ट, क्या हमारे फार्मर जो हैं वो टेररिस्ट की तरह दिखते हैं, ठीक है। और लुक का मतलब, जब देखे लुक के साथ किसी चीज़ को हम अगर देखते हैं तो हम ऐट का यूज़ करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ दिखना है, देखना नहीं है, मतलब क्या हमारे जो फार्मर हैं वो टेररिस्ट की तरह दिखते हैं, यहाँ लुक का मतलब दिखना है, तो दो मतलब होता है लुक का, देखना और दिखना, तो दिखने के सेंस में तो हम ऐसे लिख सकते हैं लुक लाइक ए टेररिस्ट, लेकिन लुक का मतलब जब देखना होता है तो उसके साथ ऐट का यूज होता है, उसके साथ किसका यूज होता है, ऐट का। लुक के बाद आप लोग एक चीज़ और देखिएगा, लॉफ के साथ भी ऐट का यूज होता है, लॉफ, मॉक, जीर और स्कॉफ के साथ ऐट का यूज होता है। एसएससी स्टेनो 2018 में पूछा गया, क्लोज टेस्ट पूछा गया। हाँ, तो आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है डज आवर फार्मर लुक लाइक ए टेररिस्ट, क्या हमारे फार्मर जो हैं वो टेररिस्ट की तरह दिखते हैं, तो देखिए यहाँ पे फिर क्या आता है कि एक मिनट, यहाँ देखिए लिखा है आई वुड लाइक, यहाँ वुड लाइक है, आई वुड लाइक टू टेल बीजेपी, मैं बीजेपी को कहना चाहूँगा कि, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 2016 में पूछा है, ठीक है, 18 में भी पूछा गया होगा, कई बार ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। वुड लाइक प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, यानी वुड लाइक के बाद जो वर्ब आएगी वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, वुड लाइक के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखिए किया गया है, आई वुड लाइक टू टेल बीजेपी, ठीक है, वुड लाइक के बाद टू टेल लिखा है, यानी कि वुड लाइक के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। क्या है आगे, दैट कि आवर फार्मर्स हैव हैड एनफ, ठीक है, दे आर डन विद बीइंग मेलिंग एंड अब्यूज्ड, ही सेड, ठीक है। अब हम आते हैं कि हमने कौन कौन से ऐसे रूल्स आज डिस्कस किए हैं, ठीक है, जैसे कि हमने बताया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सन, मून, स्टार और अर्थ के पहले हम किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये हमने लिख करके दे दिया है आप लोगों को, क्या है कि सन, मून, स्टार, अर्थ के पहले हम किसका आर्टिकल, द का यूज़ करते हैं, ये हमने आपको बताया। दूसरी चीज़ आज जो हमने डिस्कस की, वो डिस्कस की कि ऑफ़र समथिंग टू समबडी होता है, जैसे ऑफर्ड, ही ऑफर्ड मॉनेटरी सपोर्ट टू देम, है ना। तीसरी चीज़ हमने क्या बताई, सेवरल, वेरियस और न्यूमेरस, मेनी, ए गुड मेनी, ए ग्रेट मेनी के साथ प्लरल नाउन का यूज होता है, ठीक है, जैसे सेवरल फार्मर्स आया था तो हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी।
आगे आते हैं, रेज मीन्स होता है उठाना और राइज मीन्स उठना होता है, और रेज मनी का मतलब क्या होता है, धन इकट्ठा करना, ठीक है। फिर हम आते हैं इफ के रूल पे। देखिए इफ के बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट, दूसरा चलता है फ्यूचर इंडिफिनिट, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इस रूल पे, इफ के बाद अगर लिखा है पास्ट इंडिफिनिट यानी कि वी टू, तो इधर उड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलती है, ठीक है। अगर इफ के बाद पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, तो इधर भी उड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। और इफ को अगर यहाँ से हटा दिया जाए, जो तीसरा वाला रूल है ये, इफ को अगर यहाँ से हटा दे तो तीसरा रूल कैसे बनेगा, और हैड को पहले ले आए तो क्या हो जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इधर यही रूल चलेगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आप लोग बहुत अच्छे से हम लोग हमारा सपोर्ट भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है आप लोगों के डेडिकेशन को देख करके, ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से लगे रहिए, हम लोग को सपोर्ट कीजिए, ताकि और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसे लग रहा है। थोड़ी बहुत दिक्कतें आने की वजह से वीडियो थोड़ी लेट में पड़ पा रही है, लेकिन कोशिश हम पूरी करेंगे कि वीडियोज़ डेली अपलोड हों और अच्छा बेहतर कर सके। हाँ, एक और बात, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है कि ये रूल मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये रूल डिस्कस कर दीजिए, हम दूसरे दिन वीडियो में चाहे डिस्कस कर देंगे या लिख करके हम डिस्कस कर देंगे, किसी भी तरीके से हम आपको लोगों को ज़रूर सारे रूल बताएंगे। आप लोग बताइए कि हाँ यहाँ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, और समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और जा करके बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।